नमस्कार साथियों, मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी के साथ आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पुनः शैक्षिक प्रबंधन, और शैक्षिक प्रबंधन में आज हमारा टॉपिक है शाला मानचित्रण। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि इसके माध्यम से जो चिन्ह जो है वो पूछे जाते हैं कि किस तरह का चिन्ह जो है वो क्या काम आता है, तो हम इस वीडियो में जो वो चिन्ह जो है वो जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शाला मानचित्रण। तो दोस्तों लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि शाला मानचित्रण का जो विकास है वो कहाँ से शुरू हुआ। शाला मानचित्रण का जो विकास है वो शुरू हुआ था फ्रांस से, 1963 में शुरू हुआ था फ्रांस से। शाला मानचित्रण क्या होता है दोस्तों, कि एक शाला का जो है वो पूरी तरह से एक शहरी जो एक शैक्षणिक रूप से जो एक नक्शा होता है उसको शाला मानचित्रण कहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, मतलब कि उस नक्शे को देखकर हमें उस गांव की शैक्षिक स्थिति का पता चल जाता है कि इस गांव की शैक्षिक स्थिति कैसी है। तो ये सबसे पहले प्रयोग हुआ था 1963 में फ्रांस में हुआ था। भारत में दोस्तों ये आया था 1992 में, जून 1992 में लोक जुम्बिश योजना चली थी, जून 1992 में तब भारत में इसका उपयोग किया गया था, ठीक है। और लोक जुम्बिश योजना को 30 जून 2004 को सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया, सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया है किसको, लोक जुम्बिश योजना को। और लोक जुम्बिश योजना जो है वो किस देश के सहयोग से शुरू हुई थी, स्वीडन, या स्वीडन देश ने जून 1992 में लोक जुम्बिश योजना को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि दोस्तों इसको मानचित्र को बनाने के लिए 6 से 22 लोगों का जो है वो सदस्यों का एक ग्रुप बनाया जाता है जो कि गांव का भ्रमण करती है और उसके बाद में अपनी जो रिपोर्ट है वो उसके आधार पर मानचित्रण करती है। तो कम से कम 6 सदस्य होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 22 सदस्य होने चाहिए। ये जो मानचित्रण है वो टोलमैन के सिद्धांत पर काम करता है, टोलमैन ने जो चिन्ह सिद्धांत दिया था उस पर काम करते हुए इस मानचित्रण को बनाया जाता है। दोस्तों एक वो नजरी नक्शा होता है जिसमें एक नजर में गाँव की शैक्षिक स्थिति का पता चल जाता है, नजरी नक्शा कहते हैं उसको। तो एक नजर डालेंगे और उस गांव की शैक्षिक स्थिति हमें पता चल जाएगी। तो हमने बात कर ही दी कि लोक जुम्बिश योजना स्वीडन में शुरू हुई थी जून 1992 में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों कि शाला मानचित्रण के 4 चरण होते हैं, ये किस लिए बनाया जाता है, इसके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है इसका शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रण। शिक्षा की गुणवत्ता, इस गाँव में शिक्षा की गुणवत्ता की स्थिति कैसी है उस पर ध्यान देना। बालक का सर्वांगीण विकास करना। विकेंद्रीकरण ढांचे को मजबूत करना। शिक्षा प्रबंधन में जो विकेंद्रीकरण का जो ढांचा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है उसको एक मजबूत आधार प्रदान करना। और सकारात्मक माहौल का निर्माण करना, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाना। ये सारे जो है वो शाला मानचित्रण के 4 चरण है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब हम बात करेंगे कि इसके बारे में जो भी चिन्ह जो उस नक्शे पर बनाए जाते हैं उन चिन्हों का क्या यूज है और वो किस काम में आते हैं, उनको देखकर क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, वो हम इस बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस प्रकार का चिन्ह, ये अगर बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उस गांव में पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी का निर्धारण जो है वो ये चिन्ह करता है, पुलिस चौकी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर ऐसा चिन्ह बना हुआ है तो इसका मतलब वो परिवार का चिन्ह है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर ऐसी धारियां बनी हुई है, ऐसी लाइनें आड़ी टेढ़ी लाइनें बनी हुई है तो वहां पर नाला भी है जो कि नीले रंग से दर्शाया गया होगा, तो नाला इज इक्वल टू नीला रंग। अगर ऐसी किताब जैसी बनी हुई है तो इसका मतलब है कि वहां पर उत्तर साक्षरता केंद्र भी है, ठीक है। अगर वहां पर एक बॉक्स बनाकर ऊ लिखा गया है छोटा ऊ, तो वहां पर एक उपासना स्थल भी है, मतलब पूजा केंद्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मंदिर मस्जिद, ठीक है। अगर गोला बना हुआ है तो इसका मतलब है कि स्कूल नहीं जाने वाली बालिका है। अगर केवल गोला बना हुआ है, ऐसे गोला बना हुआ है तो इसका मतलब ये कि बालिका जो है वो स्कूल नहीं जाती है। और केवल बाउंड्री नीला रंग, इसकी बाउंड्री कौन सी होगी, नीले रंग की होगी, नीले रंग की है तो है बालिका, और अगर लाल रंग की है तो बालक है, स्कूल नहीं जाने वाला बालक लाल रंग से ऐसी बाउंड्री बना देंगे, और नीले रंग की इसका मतलब वो एक बालिका है जो स्कूल नहीं जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। बाउंड्री नीला रंग इजिकल टू लड़की और बाउंड्री लाल रंग इजिकल टू लड़का। और अगर ये अगर पूरा भर जावे, नीले रंग से भर देंगे तो स्कूल जाने वाली बालिका है, ध्यान रखना। केवल बाउंड्री
नीली बाउंड्री स्कूल नहीं जाने वाली बालिका, लाल रंग की बाउंड्री स्कूल नहीं जाने वाला बालक, और इसको पूरा भर दूंगा तो स्कूल जाने वाली बालिका, ध्यान रखना है आपको नीला रंग से, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर प लिखा हुआ है और बिंदी लगी हुई है, इसका मतलब वहां पर पंचायत भवन भी है गांव में। ऐसी लाइन है अगर छोटी सी तो वो कच्ची सड़क है, यह आपको ध्यान रखना है। पतली लाइन कच्ची सड़क, अगर इसी लाइन को मोटी कर देंगे तो पक्की सड़क बन जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। छोटी लाइन कच्ची सड़क, मोटी लाइन पक्की सड़क। नेक्स्ट है, ऐसे अगर चिन्ह बने हुए हैं तो वो तालाब है, तालाब को नीले रंग से दर्शाया गया है, पानी की पानी का रंग नीला होता है। प लिखा हुआ है तो इसका मतलब वहां पर पटवार भवन भी है। देखिए बिंदी है तो पंचायत है और खाली प है तो पटवार भवन है। हमने बात की थी बालक स्कूल जाने वाला लाल रंग है, तो अगर बालक स्कूल जा रहा है तो वो लाल रंग से दर्शाया गया है कि वो भरा हुआ है, तो वो लाल रंग से दर्शाया गया है। और अगर नीले रंग से दर्शाया गया तो वो स्कूल जाने वाली बालिका है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर गोला बना हुआ है और इस प्रकार से उसको दर्शाया गया है तो वो कुआं है या फिर बावड़ी या टांका जो भी है वो उस गांव में उपलब्ध है। नेक्स्ट, अगर इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ है तो इसका मतलब वहां पर डिस्पेंसरी है या फिर उप स्वास्थ्य केंद्र जिसको हम कह सकते हैं वो भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये डिस्पेंसरी। नेक्स्ट दो लिखा हुआ है, इसका मतलब वो दुग्ध समिति है, वहां पर दुग्ध समिति भी है, ठीक है, दो यानी दुग्ध समिति। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर इस प्रकार से लाइन बनी हुई है तो वहां पर रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन का प्रतीक है। नेक्स्ट डाकघर का अगर पोर्शन बना हुआ है तो वहां पर डाकघर है, ये आपको ध्यान रखना है, डाकघर का प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर इस प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं, अगर आड़ी सीधी लाइन है और दो आड़ी लाइन बनी हुई है तो इसका मतलब वहां पर अनौपचारिक शिक्षा केंद्र है, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर ऐसा त्रिभुज बना हुआ है तो वो माध्यमिक विद्यालय का प्रतीक है, और अगर ऐसा क्रॉस बना हुआ है तो ये प्राथमिक विद्यालय का प्रतीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर ऐसा स्टार बना हुआ है तो ये आंगनबाड़ी का प्रतीक है या फिर बालवाड़ी भी हो सकती है, और अगर ऐसे डॉट बने हुए हैं तो वो कच्चा रास्ता है जो कि भूरे रंग से दर्शाया जाएगा। और जब मैं पहले बात कर चुकी है कि अगर ऐसी लाइन अगर मोटी है तो वो पक्का रास्ता है और इसको काले रंग से दर्शाया जाएगा। और अगर सर्कल में अगर ये त्रिभुज बना हुआ है तो इसका मतलब है कि वहां पर उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो आप सब जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वापस हम सम्मरी करते हैं कि स्टार्टिंग कहां से हुई थी, फ्रांस में लोक जुम्बिश योजना 1992, विलय कब हुआ था 30 जून 2004, यह आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सहयोग मिनिमम 6 मैक्सिमम 22, कौन सा सिद्धांत है टोलमैन का, नजर नक्शा क्या होता है, एक नजर में गांव की शैक्षिक स्थिति का पता लगाना, लोक जुम्बिश किस देश के सहयोग से शुरू हुई थी स्वीडन, ये आपको ध्यान रखना है, और कब हुई थी जून 1992 में, ठीक है दोस्तों। और ये चिन्ह जो है वो आप जरूर ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच।